अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, मैं हूँ सलीमा फरीदी और ये है जी मैं हूँ काशिफ खान और आप देख रहे हैं हज़रात। और हज़रात, अच्छा सलीमा, ये मॉर्निंग शो जो हर मॉर्निंग को आ रहे होते हैं, आपने कभी देखे, कभी नजर से गुजरे आप? यार कभी इत्तेफाक नहीं हुआ मॉर्निंग में उठने का। तो अच्छा, ये शो होते तो मॉर्निंग में है लेकिन लेट नाइट भी आ रहे होते हैं? हाँ, मैंने अक्सर मॉर्निंग शो लेट नाइट देखे, बल्कि लेट के नाइट को देखे। वाह वाह वाह, मतलब लेट नाइट को आपने दोनों तरह से यूटिलाइज किया है। वो अगले 15 मिनट में मुझे नींद भी आ जाती है। वाह वाह वाह, नहीं वैसे कहते थे सितारे अगर गिनना शुरू करें या अगर आप चश्मे तसव्वुर से कुछ भेड़ों को देखना शुरू करें उनकी काउंटिंग, तो उससे भी नींद आ जाती है ना। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है, नींद का एक खास वक्त मुतय्यन है। लेकिन आज जो नौजवान टोटके बता रहे हैं वो पता नहीं क्यों बता रहे हैं। एक तो एक सवाल है मेरा, क्या कि अगर दूध उबल जाता हो तो उसके लिए क्या टोटका? उबल जाए तो उबलने से पहले पी लो। नहीं मतलब उसका चूल्हा बंद कर दे ना, पहले वक्त पे चूल्हा बंद कर दे, नहीं उबले। मैं तो कह रहा हूँ ठंडा ही पी लो ना यार, दूध तो जहाँ मिल जाए पी लेना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, कैल्शियम होता है, जितने कुछ उसमें अज्जा होते हैं, यानी एक बच्चा शीर ख्वार जैसे कहते हैं, शीर ख्वार या वैसे ख्वार, टोटल दूध पे पलता है। छह महीने, दो चार छह आठ महीने बाद जाके कोई और गजा, छह महीने के बाद, वरना दो महीने ठोस गजा जो है वो छह महीने के बाद शुरू होती है, इससे पहले जो है वो लिक्विड पे जी रहा होता है। लेकिन बहरहाल बात शीर ख्वार की नहीं हो रही, बात बच्चों की नहीं हो रही, बात हो रही थी मॉर्निंग शो की, उससे हम टोटकों पे चले गए। तो मॉर्निंग शो में बड़े अच्छे अच्छे चेहरे नजर आते हैं। हाँ, वो चेहरों की हद तक तो बात तुम्हारी कमाल की है कि बाकायदा और आठ दस एक ही वक्त में हसीन चेहरे नजर आ जाते, लेकिन उसमें से कई ऐसे होते हैं जो सिर्फ उसी वक्त अपेयर नहीं हो रहे थे बल्कि वो एक्टिंग में भी नजर आते हैं, ड्रामों में नजर आते हैं। और बल्कि आजकल तो कुछ ऐसी मॉडल्स हैं जिन्होंने मॉडलिंग में बड़ा कमाल के अवार्ड लिए हैं। हाँ जी, और वो ऐसे ऐसे अवार्ड, फोटोजेनिक अवार्ड, लक्स अवार्ड, वीट अवार्ड, बल्कि वो सुपर मॉडल में शुमार होते हैं, बताएं आप। हाँ जी, और तो मैं एक ऐसी हमारे पास आई हुई, उनको बुला लेते हैं। अरे उनके लिए तो आगे मुस्तकबिल में बड़े अवार्ड रखे, क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने हिंदुस्तान जाके अनुपम खीर की एकेडमी में, अनुपम जो भी है, तरबियत ली है एक्टिंग की, और जनाब अली और पता नहीं क्या क्या सीखा है उन्होंने हिंदुस्तान जाके, सर्टिफाइड एक्ट्रेस है मौजूदा सूरत हाल में। जी हाँ जी, तो आइए उनसे बातें करते हैं, उनसे पूछेंगे उनकी जिंदगी के जो बेशुमार संग मिल जो उन्होंने उभर किए और जो काम किया। मिलवाते हैं आपको साइमा अजहर। साइमा अजहर जी, वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको देखते ही लगा कि हम किसी फैशन शो में आ गए। साइमा मॉडल नहीं, सुपर मॉडल, और सैम कहते हैं इनको। सैम जी, जैसे अंकल सैम होते हैं ना। सैम टू यू है, सैम टू यू नहीं, सैम टू सैम बोलने में नहीं, एक्चुअल हमें किसी भी किस्म का कोई शक नहीं, लेकिन जिस तरह आपने कैटवॉक की है ना, मतलब चलती भी बहुत खूब लग रही थी। बड़े बड़े तो कैटवॉक की नहीं, अभी तो सिर्फ एंटर हुई थी। अच्छा, कैटवॉक भी क्यों कहते हैं इसको? और भी परिंदे हैं, मोर शोर भी हैं, बड़े खूबसूरत खूबसूरत जानवर हैं। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए कैटवॉक इसलिए बोलते हैं, एक तो आप देखें सबसे ज्यादा जो एटीट्यूड होता है वो बिल्ली में होता है। वो अगर आपको, आप उसको खाना नहीं देंगे या पूछेंगे नहीं, वो आएगी आपको देखेगी, एंड शी इज जस्ट गो ब्लैंक। जैसे एक मॉडल होती है, उसके ऊपर एक पोकर फेस होता है, उसके चेहरे पे कुछ नहीं होता, वो आएगी आपको देखेगी, एंड शी इज जस्ट गिव यू अ डैम कि कोई मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो एक तो एटीट्यूड की वजह से, और दूसरा ये कि जब आप बिल्ली की या शेर की चाल देखेंगे, क्योंकि बिल्ली को शेर की खाला कहा जाता है, तो जब आप उसको चाल देखेंगे तो उसके जो पॉज होते हैं वो एक के ऊपर एक रखते हैं, राइट, और इतनी स्विफ्टली वो वॉक हो रही होती है ऐसे जैसे कि पानी के ऊपर कोई चलता हुआ आ रहा हो। क्या बात है, राइट, तो उसको फिर हम कैट वॉक बोलते हैं। अच्छा, ये फीमेल के लिए ठीक है, लेकिन मेल यही काम करें तो फिर उनको क्या बोलते हैं? मेल देखिए, मेल जब ये काम करते आते हैं तो उनकी नॉर्मल वॉक होती है। अच्छा, वो उनकी वॉक को भी तो कैट वॉक ही बोलते हैं ना? डेफिनेटली बोलते हैं, कैट वॉक ही बोलते हैं, लेकिन बिल्ले नहीं होते क्या? लेकिन बिल्ला इतना सबर वाला नहीं होता, वैसे बिल्ला सबर वाला नहीं होता। आपको बड़ा अंदाजा है, तो ये अंदाजा बड़ा ही होना चाहिए, छोटे मोटे अंदाजे जो है वो कारगर नहीं होते। ये क्या नाक पे कोई काम कराया आपने? बिल्कुल एंजेलिना जूली वाली नाक है।
नहीं बिल्कुल भी नहीं, मेरे चेहरे पे कोई काम नहीं हुआ आज तक अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम वन ऑफ द मॉडल्स जिसके ऊपर कोई बोटॉक्स नहीं हुआ, कोई फिलर नहीं करवाया, ये होंठ भी मेरे असली हैं जो अभी यूँ नहीं लगते, यू नो, तो नो फिलर्स नो बोटॉक्स, सो अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब सिर्फ होंठ पे ही जो है बात मुकम्मल नहीं होती, आप मुकम्मल तौर पर असली शख्सियत की हामिल हैं। थैंक यू सो मच। मुकम्मल जितनी झांक रही है उतनी मतलब इस तफसील में आप गहराई तक ना जाए, ऊंचाइयों पे रहे। ऊंचाई की बात करने लगा कि आप बहुत गहराई में जाके कह रहे थे। कैसा रहा हिंदुस्तान जाके? अच्छा हाँ, कई क्योंकि एक सवाल है, मिलान हुआ कुछ? किसका सवाल का जवाब दूं पहले? ये दोनों एक ही तरह के सवाल है। अब आप अपनी बात शुरू कर देंगे तो जवाब क्यों गई थी वो सलमान खान के चक्कर में गई थी, आमिर खान के चक्कर में या किसी और खान के चक्कर में? देखिए मेरा पूरा नाम अजहर अली खान है, ठीक है, तो मैं अपने ही चक्कर में गई थी। मसला ये बस खान के चक्कर में गई थी या खानदान के चक्कर में? मैं खानदान के नहीं, मैं अपने चक्कर में गई थी। देखिए पढ़ाई के लिए आपको कहीं पे भी जाना पड़े कोई लिमिट नहीं है, मतलब सीख लेने के लिए कहीं भी जा, डेफिनेटली कहीं पे भी आप जाएंगे। सिर्फ यहाँ की बाउंड्रीज बनाई हुई है कि इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, यूरोप, लंडन। मैंने अमेरिका में भी काम किया, मैंने लंडन में भी काम किया, मैंने कनाडा में भी काम किया, मैं इंटरनेशनली पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह सब जगह रिप्रेजेंट कर चुकी हूं। और ये रैंप वॉक वगैरह रैंप भी किया है, फोटोशूट भी किया है, सब कुछ किया है। लेकिन इंडिया का मकसद ये है क्योंकि आपको पता है हमारा कल्चर थोड़ा बहुत ईस्टर्न चूँकि मिलता है, तो इस वजह से वहाँ पे मुझे लगा कि वहाँ पे सेख ज़्यादा अच्छी मिलेगी, पढ़ाई शायद थोड़ी अच्छी मिल जाए। मैं ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान में इस चीज़ की कमी है, हाँ इंस्टीट्यूशंस की कमी ज़रूर है। जो आर्ट्स जो हम काम कर रहे हैं ना जी, तो इस काम का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो इंडिया में है, इंडिया में है। तो वहाँ पे क्या किया, कोई कोर्स किया पे? बाकायदा मैंने कोर्स किया है एक्टिंग का, मेरे जो टीचर थे उनका नाम सर बबलू था और बहुत उन्होंने अच्छा सिखाया है। एक्टिंग एंड डांस, एक्टिंग एंड डांस, डांस तो मतलब देखें ये चीजें जो है ना आपके अंदर होती हैं। मैं एक्चुअली थोड़ा सा अपने दिल की सेटिस्फेक्शन लेने गई थी कि हाँ आपने चाहे जो अंदर की चीजें उन्हें नुमाया कर मुतमईन इसलिए आई हूँ कि हाँ मुझ में कला है और मैं कुछ कर सकती हूँ, इस मुतमईन के साथ वापस आई अल्हम्दुलिल्लाह के साथ मुतमईन हुई एब्सोल्युटली। तो इंडिया में ऑफर नहीं की किसी ने? देखिए ऑफर के लिए तो माइंड बना के गई नहीं थी, नंबर वन। दूसरी बात जितना आप अपने मुल्क वाले का भी तो माइंड नहीं, नहीं जितना आप अपने मुल्क को दो ना वो ज्यादा बेहतर रहता है। क्या आप कहीं से भी सीख के आओ, चैलेंज आप अपने मुल्क को दे। आप जो देने वाले हैं तो हर एक को या फिर किसी मखसूस चैलेंज वाले? देखिए टैलेंट जो परख सकता है, जो टैलेंट परख सकता है, जिसको टैलेंट की समझ है वही मुझे ऑब्वियसली हायर करेगा। वैसे इस वक्त हम दोनों बेचैन हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को चैन दे। तो चैन अच्छी वाली है, मेरे ख्याल से ब्रेक ले लो यार, ब्रेक ले लो, चलिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक बार फिर आएंगे, देखते रहिए। आप जितनी किफायत शुआर है मतलब है कि आप उन्हें अब आगे चल के बड़े बड़े कोई आजकल का यही फैशन है, जिसको एक्सेप्ट करना करें, नहीं करना तो कब आदमी तो पूरे पहन लीजिए। वेलकम बैक इन हजरात, और साइमा अजहर हमारे दरमियान मौजूद है, सुपर मॉडल, बड़े अवार्ड लिए, अब पता नहीं क्या सीखने गई थी हिंदुस्तान में एक्टिंग, और वो यूज़ करेंगी एक्टिंग तो पता चलेगा कि किस चैनल पे कौन से ड्रामे में कब आ रही हैं। साशा प्रोडक्शंस हैं, ठीक है, ये नई आई हैं, ये एक्चुअली अमेरिका में होती हैं और इसी साल उन लोगों ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोली है, तो मैं हूँ, नुमान हबीब हैं उसमें और भी काफ़ी सारे लोग हैं। कराची में किस इलाके में पैदा हुई थी? गुलशन इकबाल में, और आज भी वहीं पे मैं मुकीम हूँ। ये तकरीबन कब की बात है? आप मेरी उम्र जानना चाहते हैं? नहीं मुझे ये पता है कि गुलशन इकबाल कब आबाद हुआ। अच्छा पता नहीं, मैं बहुत छोटी थी जब हुई थी। जी होते हैं बड़े होके थोड़ी, जब पैदा हुई तो बहुत छोटी थी, इससे याद नहीं है बिल्कुल। कितने बहन भाई हैं? मेरे दो बड़े भाई हैं और मुझे मिला के चार बड़ी बहन हैं, मतलब मैं चौथी हूँ, मैं आखिरी हूँ। बताइए बताती हूँ, छः सात आदमी? हाँ एक्चुअली अब वो सब लोग इधर उधर रहते हैं ना, अमेरिका में, कनाडा में, तो फिर काउंट कर रही थी, मेरी काउंट नहीं रहती ना क्योंकि सब लोग बाहर रहते हैं, तो टोटल मिला के नौ हो गए, चार बहने दो भाई। जी बिल्कुल। और बहने क्यों, क्या कर रही है, मतलब और बहने क्यों नहीं हुई ये पूछना चाह रहे हैं? बच्चे बच्चे पाल रही है यार, बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल बना रहे हैं आप भाई। नहीं बस देखिए मेरी जो बहन है वो कनाडा में है, उनके दो सैलून हैं अपने, दो फ्रेंचाइज उनकी,
और बाकी जो होती हैं हाउस वाइफ ऑब्वियसली। अच्छा, तो आपने कब बनना है हाउस वाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द अगर मुझे मिल जाए। अभी तक कोई हाउस तक मिला है? हाउस है, डेफिनेटली है। मिलते तो रहते हैं लेकिन मिल गया वाला नहीं जाता। गाना कोई पसंद? क्यों सुनाना है आपने? कंप्लीट पैकेज होता है ना, अगर आप इस वक्त यहाँ पर मौजूद है तो एक कसौटी है। आपने कहा आपका एक्टिंग, आपने कोर्स किया है, आपने तो उसमें सबसे बड़ी चीज तो वो जो कॉन्फिडेंस जो आपको मिला, तो इसको यूटिलाइज करें आप। क्या हुआ गुनगुना? गाना तो खैर मुझे नहीं आता, मेरी आवाज भी इतनी अच्छी नहीं है। सिंगर कोई पसंद है? सिंगर मुझे आते बहुत पसंद है, लेकिन आपका गला अच्छा है। और हाँ, मेरी थोड़ी हस्की वॉइस है। हाँ, लेकिन जो मुझे बोल पसंद आते हैं, जो मैं अक्सर गुनगुनाती हूँ, वो है कि बहुत पुराना एक इंडियन सॉन्ग है। सॉरी अगर मैं आप लोगों को बुरा लगे तो, हम पाकिस्तानी ने गाया है तो। हाँ नहीं नहीं, उसके मुझे बोल पसंद है कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान लो, घर याद रहे। किशोर कुमार की रूह तड़प तो पूरी पूरी याद रहेंगी। आप जितनी किफायत शुआर हैं तो जो बचत करती हैं आप कपड़ों में, उसका मतलब है कि आप उन्हें अब आगे चल के बड़े बड़े कोई मार के सर कर लेंगे। आपने अभी मेरा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। एक सुपर मॉडल, सुपर मॉडल कौन होती है? वो जो एटलीस्ट फैशन को लेकर आए, प्रमोट करे। आजकल का यही फैशन है, जिसको एक्सेप्ट करना, करे नहीं करना तो कोई बात नहीं, पूरे पहन लीजिए। तो ड्रामा चल रहा है, होस्टिंग भी की आपने? नहीं, होस्टिंग नहीं की है, लेकिन डेफिनेटली अगर कभी मौका मिला और अच्छा मुझे लगा उसमें स्कोप अपना आगे का, तो डेफिनेटली क्यों नहीं। तो पाइपलाइन में है कुछ? अभी बस मैंने बताया ना, एक ड्रामा सीरियल है जो कि मैं, हमने कुछ अवार्ड्स बताए जो आपने लिए, तो आप खुद भी बता दें कि आप वो मौका शेयर करें, वो मोमेंट शेयर करें जब अवार्ड मिला। मैं बताती हूँ, ऑब्वियसली मॉडल तो मैं बाद में बनी हूँ, पहले मुझे अवार्ड। अच्छा, एक काम करते हैं, अवार्ड की बात एक छोटे से ब्रेक के बाद करते हैं, सेगमेंट आ जाएगा ना। नहीं, लेकिन थोड़ा सा वो और मजेदार हो जाएगा, थोड़ा ब्रेक बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कोई ब्रेकिंग न्यूज टाइप कुछ माहौल है। नाज़रीन और हाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में बड़ा रश है क्योंकि एक खातून सब पे भारी। और मिलते हैं ब्रेक के बाद, ब्रेक से वापस आने के बाद हमारे सेगमेंट होंगे और अदर होंगे। देखते रहिए हज़रा, आपको तो डैश का मतलब पता ही होगा। हाँ, मतलब वो चीज़ जो पूर की जाए, फूल से पूर कर देते हैं। फूल से कर देते हैं। अच्छा, खाला पूर करती है या जगह? अच्छा, जगह देती है या जगह देती है? जगह दे देती है। जी, एक बार फिर हम आ गए आपके साथ और हमारे साथ मौजूद हैं सुपर मॉडल साइमा अजहर। सैम? हाँ जी, सैम। ओके, अच्छा, तो सैम कुछ अवार्ड वगैरह आपने बताया हमें, तो कोई मोमेंट शेयर करें अवार्ड के? अवार्ड, यस ऑब्वियसली, जब मैं 2011 में एंटर हुई थी तो उस वक्त बीच का कॉन्टेस्ट हो रहा था जिसे आजकल होता है, तो मैं ताज़ा। हाँ, मैं सेकेंड बैच में थी, सेकेंड सीजन था, तो उसके अंदर मुझे मिस फोटोजेनिक का जो है वो टाइटल दिया गया था। यस, उनको लगता था कि शायद मेरी तस्वीरें बहुत अच्छी आती हैं। तो जैसे मिसाल के तौर पे आपने एक्टिंग सीख ली, आपने एक कोर्स किया, सर्टिफाइड आप एक्ट्रेस है, तो उसका समझने कोई एडवांटेज मिलेगा आपको? क्यों नहीं मिलता, किसी भी पढ़ाई, जो कोई भी पढ़ाई वो रायगा नहीं जाती है, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम आ जाती है। सेगमेंट होता है रैपिड फायर तो नहीं होता है इस वक्त, लेकिन होता है हमारे यहाँ सेगमेंट है फिल इन द डैश। अच्छा, ओके, आपने भी अभी फिल इन द डैश कर ही लिया? ओके, किसकी वजह से किया है फिल? कोई बात नहीं, वो तो फॉर्मेलिटी। मेरी वजह से किया है, मेरी वजह से किया है, दोनों की वजह से किया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन साइमा आप अच्छी हैं, दिल चाहते हैं आप जैसी दो और, उनका क्या करेंगे आप? एक लिए मतलब हमारे हिस्से में दो आ जाएंगे, अपने कहा आना है यार, ये दो से भी वो एक्चुअली हजरात जो है ना बुरा मान रहे, वो कह रहे तीन होने चाहिए थे। गुड गुड, सहमत? हाँ जी। फिल इन द डैश? जी बोलिए। आपको तो डैश का मतलब पता ही होगा। हाँ, मतलब वो चीज़ जो पूर की जाए। वाह वाह, तो आप पूर कर देती हैं? कोशिश करूंगी। फूर से पूर कर देती हैं? फूर से कर देती हैं। अच्छा, खाला पूर करती हैं या जगह? जगह, जगह हो तो खाला पूर कर देती हैं। वाह वाह, अच्छा, जगह देती है या जगह देती है? जगह दे देती है। जगह टैक्स लेती है? जगह दे देती है। जगह दे देती है। हाँ, दे देती है। डैश के बाद
आराम करने का दिल करता है। बहुत काम करने के बाद, बहुत काम करने के बाद आराम करने का ही दिल करता है। क्या ये जवाब दे, बहुत काम। वाह, काम डैश की हर वक्त, सॉरी क्या कह रहे, काम की नौयत। क्या बात है, डैश की हर वक्त तलब रहती है पानी की। ये पानी, पानी शर्म से पानी होने वाला या फिर बाकायदा पानी? नहीं नहीं, पानी पीने वाला है, उससे स्किन अच्छी रहती है। तो ज्यादातर पानी पीना चाहिए, 75% बॉडी पानी में, पानी मिला के पीते हैं। कोई बर्फ वर्फ ऐड नहीं? आप जमजम अगर आप एक दो बूंद मिला दें, पानी पाक हो जाता है और अच्छा हो जाता है। असर हाजिर की हाजिर जवाब, खवातीन को इस टाइप की चीजें याद रखना चाहिए। डेफिनेटली, मतलब पकड़ा ही नहीं दे, पकड़ा ही नहीं दे, एकदम किसी को छेड़ दो ना तो एकदम भाईजान भी बोल लेती है ना। डैश करके अफसोस होता है, डैश करके अफसोस होता है। क्या पूछ लिया आपने मुझसे, अफसोस हर चीज से होता है, हर वो चीज जो हाथ से फिसल गई। देखा, मछली हाथ से फिसली या मगरमच्छ का? नहीं, हो सकता कोई बकरा फिसल गया। हाँ डेफिनेटली अफसोस तो होता है। तो है बकरा अभी भी है किस्तों पे? किस्तों पे, मतलब अभी भी आपकी लाइफ में कुछ उसकी बाकियात है? हाँ, डेफिनेटली है, रहेगा सारी जिंदगी ता हयात। तो वो कल्क रहेगा यानी? बिल्कुल, अमर रहेगा। यार पता नहीं क्यों मेरे ज़हन में सवाल है, वीना मलिक को कितना लेती हैं आप? पता नहीं, वीना मलिक कौन? ये मलिक साहब की। अच्छा, नहीं वो पाकिस्तान की, रियाज मलिक की बात कर रहे हो? नहीं वो पाकिस्तान की, हमारी पैसे वाले पे कैसी नजर है? डैश के वक्त जज्बात पे काबू नहीं रख पाती, खुशी के वक्त, खुशी के नहीं रख पाती, मुझे लिपट जाती। मैं लिपट नहीं जाती, मैं खुल के हंसती हूं। हां हां डेफिनेटली, मैं उस खुशी को जो है बंद करके नहीं रखती, कैद नहीं रखती। किस हद तक खुल जाती है हंसते हुए? मैं हंसती हूं, मुझे खुल के हंसना पसंद है, क्योंकि उससे एक तो इंसान का ब्लड प्रेशर ठीक होता है और उसकी जो जितनी भी टेंशन है और जितनी भी रगें हैं दिमागी तौर पे जो स्ट्रेस की वजह से बंद हो जाती हैं, वो सब ओपन हो जाती है। डैश सबके सामने नहीं करती? खाना कोशिश करती हूँ कि आराम से अकेले में बैठ, अकेले में, हाँ सुकून से चबा के आराम से, जल्दी जल्दी में नहीं, कोई दूसरा ना हो या हो, कोई ना हो, मैं सुकून से अपना खाना एंजॉय करना चाहती हूँ। फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करती हैं, डाइटिंग करती हैं? Yeah. जो आए बस दे। मैं डांस करती हूँ फिट रहने के लिए, और खाना जो मुझे दिल करता है मैं वो। एरोबिक्स? नहीं, डांस, नॉर्मल डांस, प्रॉपर डांस, इतना डांस, बॉलीवुड डांस, हाँ बॉलीवुड डांस, इतना डांस कि मेरे सर से पसीना टपके, इतना डांस करना पड़ता है। और देखने वालों को भी पसीना आ जाए? नहीं, घर में करती हूँ कमरा बंद करके। नहीं कभी आई डांस कैसे हो जी, आपको पसीना है या देखने वाले की चूड़ी? देख ले, आपको बुला रहे हैं। नहीं खैर, वो पसीना तो पसीना है। आइटम नंबर करेंगे किसी फिल्म में आ जाओ? हाँ, मुझे ऑफर्स भी हुई थी डेफिनेटली, लेकिन अभी फोकस ज्यादातर एक्टिंग का है। लेकिन अगर कोई मुझे अच्छी फिल्म का डिसेंट आइटम नंबर मिले। डांस की भी तरबियत ली ना? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। किस टाइप का डांस होता है? नॉर्मल बॉलीवुड डांस होता है, जो हमारे लॉलीवुड डांस बिल्कुल ठुमके, जो हमारी रीमा मीरा जी पहले किया करती थी, वही चीज बरकरार है। बात आया था, क्या बात है। डैश वक्त पड़ने पर धोखा दे जाती है? कभी नहीं धोखा दिया मैंने किसी को। नहीं, डैश वक्त पड़ने पर धोखा दे जाती है? मतलब कोई खास चीज जो उसने वक्त पड़ने पर आपको धोखा दिया हो? मैं समझी नहीं आपकी बात। मतलब कभी कोई ऐसा वक्त पड़ता है जिसमें एक डैश है जो धोखा दे जाती है, तो वो कौन डैश है? किस्मत? नहीं नहीं, किस्मत धोखा दे तो बड़ा खतरनाक। किस्मत धोखा तो नहीं, धोखा किसी ने दिया नहीं आज तक। स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदी हूँ, तो लोग मुझसे बात करते भी 10 दफा सोचते हैं। अब अगर कोई फल वल ले तो धोखे दे रहे हैं? धोखा नहीं मुझे दिया किसी ने भी आज तक, तो मुझे धोखे से कोई रिलेटेड कोई इवेंट ही याद नहीं है, ना इंसान याद है। लेकिन ये तो एक जुमला है ना कि भाई कभी कभी किस्मत वक्त पड़ने पे धोखा दे जाती है? नहीं कुछ हुआ ही नहीं आपके साथ, नहीं हुआ, लेकिन एक हाँ हुआ नहीं जी। डैश का बार बार इस्तेमाल करती है? हाँ, रोज वाटर का, रोज चेहरे पे, और के गुलाब का चेहरे पे बार बार इस्तेमाल करती हूँ, उससे क्या होता है स्किन फ्रेश रहती है। हाँ, आपसे भी अच्छी स्किन हो जाती है। माशाल्लाह। डैश से अकेले में मिलना चाहती हूँ उनसे। उनसे वो कोई डिफाइन किया आप, उनको बता दिया ना, वो है ना एक, ये बोलो इनसे, उनमें तो बहुत लोग हैं। नहीं वो उनमें दूर है ना, अभी रिश्ते कायम नहीं होने, इसलिए वो जब आएंगे, जब वो आएंगे। डैश की वजह से कमर में दर्द हो जाता है? हाँ, हाई हील्स की वजह से।
بالکل صحیح کہا. اور حضرات آپ اپنی جو ہے نا اپنے جو خیالات ان کو درست رکھیں. دیکھیں سپر ماڈل نے کیا اہم چیز کی طرف توجہ دلائی کہ آپ لوگ اگر ہائی ہیل پہنتے ہیں تو آپ کو احتیاط سے پیر رکھنا چاہیے ورنہ کمر میں درد ہو. آپ یقین جانیں اس وقت تو خیر میں اپنی ایم آر آئی دکھا نہیں سکتی, مجھے L4 L5 پہ جو ہے میری ڈسک سلپ ہوئی ہوئی ہے اور پچھلے 6 سال سے ہے, لیکن اس کے باوجود میں ابھی بھی 8 یا 9 inches ہیل پہن کے واک کر رہی ہوتی ہوں ریمپ پہ اور میں ڈانس بھی کر رہی ہوتی ہوں. تو فٹنس کا راز یہی ہے. ہاں ہوتا ہے میری, میں زیادہ اس کے لیے کچھ نہیں کرتی ایکسیپٹ کہ میں سیسیمی آئل لگا لیتی ہوں. یہ میں ان لوگوں کو بتانا چاہوں جن کو نرو پرابلم ہے, جن کو شیاٹیکا ہوتا ہے پین پیر میں, تو اس کے لیے میں خاص کر کے بتانا چاہوں کہ جو سیسیمی آئل ہوتا ہے وہ آپ لوگ پلیز یوز کریں باقاعدہ رات میں, اپنے کمر پہ لگائیں یا ٹانگ پہ لگائیں اور اس کو ڈھک لیں گرم کپڑے سے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جو سیسمی سیڈ ہوتا ہے, جو تل کا تیل ہوتا ہے, چاہے وہ آپ کالا لیں یا سفید, وہ سب سے چھوٹا مالیکیول ہوتا ہے. وہ ایسی جگہ پہ آپ کے اس نرو کے اندر جا سکتا ہے جہاں پہ کوئی اور مالیکیول نہیں جا سکتا. مارننگ شوز میں جا جا کے یہ ٹوٹ رہا ہے؟ نہیں نہیں, میں فیزیولوجسٹ ہوں, بیسکلی میں نے ماسٹرز کیا ہے. مردوں کے گھٹنے میں درد کیوں ہوتا ہے؟ کثرت کی وجہ. کثرت تو اگر وہ آپ سیسمی آئل لگائیں تو الحمد للہ اس سے بھی آپ کو بہت افاقہ ہوگا. کیا بات ہے, کثرت کبھی سین والا اور کبھی سے والا. ڈیفینیشن کرتے ہو تو بات آگے بہت جاتی ہے. نہیں آپ سے مردوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, آپ خود نہیں پوچھ, آپ کو خود نہیں پتا. نہیں نہیں, آپ سے مردوں کے سوال کیوں کر رہے ہیں؟ لڑکا ہوں نا میں, تو ابھی لڑکا ہوں. کہاں سے سر جی پوری داڑھی آئی ہوئی ہے, کہاں سے؟ ہائے ہائے ہائے, پروف درکار ہوتا ہے اپنے آپ کو لڑکا ثابت کرنے کے لیے. صبر بڑی چیز ہے. نہیں ثبوت, ہم ان کے واپس جو سوالات آ رہے ہیں اس پہ صبر کرتے ہوئے آپ کو ایک وقفہ دیتے ہیں. آپ کو کیمرہ مین صابر کے ساتھ, کیمرہ مین, چاروں کیمرہ مین مستعدی سے اس وقت کھڑے ہیں اپنے اپنے کیمروں میں اور ساتھ میں ان کے اسسٹنٹ بھی کھڑے ہیں جن کا کام بیک گراؤنڈ کہیں ہوتا ہے اسٹوڈیو کے بعد, وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. لیکن آپ بھی اپنی جگہ جمے رہیے گا, لیتے ایک بریک, بریک کے بعد اگلا سیگمنٹ ہوگا اور سائما اظہر ہوگا. دیکھتے رہیے چار پائی شامیانہ. جی چوہے کی پونچھ, چوہے کی پونچھ, خجلی مچا دو چوہے. جی ویلکم بیک ان حضرات, اور ہمارے ساتھ ہیں انجلینا جولی. ہالی ووڈ گئی کبھی؟ ہالی ووڈ نہیں گئی لیکن نیو یارک گئی ہوں. نہیں وہ میں نے دیکھا نہیں. میں نے دیکھا. ہاں کیسا ہے؟ ایسے ہی ہوتی ہے. تھینک یو, سویٹ آف یو. یونیورسل اسٹوڈیو ٹیکسس میں اس طرح کی آپ کو خواتین نظر آئیں گی. چلو ان کا ڈریس بھی جو ہے اسی طرح کا. بالکل بالکل بالکل. اب ہمارا سیگمنٹ ہے ہیڈ فون کانوں پہ لگاؤ, اس کا نام کان بندی اور زبان پہچان بندی. تو آپ نے ہمارے ہلتے ہوئے ہونٹوں سے اندازہ لگانا ہے کہ ہم نے کیا بولا ہے, کون سے شبد جو ہے وہ ہمارے منہ سے نکلے. اچھا ٹھیک ہے, اور آپ تک ہماری آواز نہیں پہنچے گی, صرف لبوں کی حرکت جو ہے وہ اس بات کی غمازی کرے گی کہ ہم نے کچھ. اور آپ ایک سے دو سے تین دفعہ بول سکتے ہیں, جتنی دفعہ, جتنی مرتبہ بھی وہ, اور جو آپ سمجھے وہ بولیے. جب تک صحیح نہیں ہوگا ہم بولتے رہیں گے. بالکل. یہ آپ نے لال رنگ کا آلہ سماعت کو اپنے اعلیٰ برائے فراہمی صوتی اثرات تو اپنے کانوں کیا بج رہا ہے؟ کچھ ہوگا میرے رشک کمر ٹائپ گانا چل رہا ہے. اچھا تو مجھے آپ کی لپ سنک گیس کرنی ہے بس. بیسیکلی مائم ہوگا یہ ماحول. اوکے ٹھیک ہے, کون بول رہا ہے آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ پہلے کون بول رہا ہے؟ کوئی بھی بولے گا آپ کو لگ جائے گا. نہیں مجھے اشارہ کر دیجیے گا. جی جی اشارے تو ایسے ویسے, بس آپ اشارہ سمجھنے والی بنی ہے. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ زنگر برگر, زنگر برگر, زنگر برگر, چینی, زنگر, زنگر برگر, چینی بھر لو. واہ واہ واہ, مہنگائی بہت ہے, بھر لو. زنگر برگر, دوبارہ بولیے. زنگر برگر, چینی بھر, برگر بھر لی. ہاں بھر لی بھر لی, بالکل ڈبا بھر لیا پورا. برگر جی, زنگر برگر, سنگر, زنگر برگر جی, سنگر, سنگر برگر, زنگر برگر کہہ رہے تھے. زنگر چینی بھر لو, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, چلتا ہے. اوکے اور میری باری ہے, چار پائی
شامیانہ جی جی واہ 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 ایک نیچے کی چیز ایک اوپر کی چیز شامیانہ دوبارہ کان ڈھکے کان ہٹانے کی نہیں نہیں مجھے بتائیں کیا بولا نہیں نہیں غلط ہو گیا میں دوبارہ بولوں گا وہ تو نا جج جھونپڑی میں چچا چچا چار پائی جی چار پائی چار پائی مجھے آپ صحیح سے بولو چار پائی چار پائی کہاں پہ چائے پی لو بالکل صحیح نہیں نہیں چائے پی چار پائی چار پائی میں بیٹھ کے چائے پی لو جان 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 دے دو دے دو چار پائی کیا ہوا چار پائی اچھا میں جان دے دوں سوری کیسے کیسے سوال کر رہے ہیں قاتلانہ سوال ہم نہیں کرتے عاشقانہ تو کر لیتے اچھا جی چوہے کی پونچھ چوہے کی پونچھ چوہے کی پونچھ چوہے کچھ عجیب سا لگ رہا ہوگا ہے نا میں آ رہا بول دے تم بولو تم بولو میں یہی والا چوہے کی پونچھ کھجلی مچا دو کھجلی مچا دو فرمائشی پروگرام بتی بجھا دو چوہے کی پونچھ کیا بات ہے لگائیے میری باری ہے کتنے ہو رہے ہیں گرو میں اس طرح تو میں کچھ آپ کیا سنا رہے ہیں آپ کو پتا ہے کیا رہے ہیں آپ کیا سنا رہے ہیں تیرے ملنے کے موسم آئے اور آپ لوگ کیا مجھے آگے سے ٹیپو سلطان سنا رہے ہیں کوئی اچھے سے سنا دیتے اب اسی پہ گزارا کریں شامی کباب چلیں بولیں شامی کباب سادی امام وہ بھی کباب ہی ہے شامی کباب شامی کباب یہ بند تھا گانا گانا بند تھا سادیہ امام پوچھا تھا آپ نے شامی کباب بنا لیا پہلے سادیہ امام بول دیا نہیں تو میں نے تو شامی کباب پوچھا تھا نا جب میں شامی کباب کتنے ٹھیک ہوئے ابھی ایک ہی ہوا ہے بس ابھی شامی کباب باقی سب اچھا تیل زیادہ گرم تھا اچھا چلو کوئی اچھا گانا لگاؤ بے پاشا گھوم رہی ہے میری آنکھوں میں لال گال گول ٹماٹر ایک سنگل ورڈ پوچھو حیدرآباد پوچھو گول ٹماٹر گورا ہاں گورا گول ٹماٹر گلاب جامن ٹماٹر رس گلا پوچھا تھا رس گلا ہاں گول ٹماٹر ہاں گول ٹماٹر گول ٹماٹر گول گپا پتلی کمر جی پتلی کمر مٹی کا برتن مٹی کا برتن مٹی کا دیکھیے پتلی کمر متیرا پتلی کمر پتلی کمر بتی بند کر دو ایک چار پائی کیا پوچھ لیا شامیانہ نہیں پتلی کمر پتلی کمر ہٹائے پتلی کمر اب یہ کیسا سوال میرے رش کے کمر یہ کون سا سوال ہے ایک ورڈ تھا جو آپ نے گیس کرنا تھا پتلی کمر ابھی تو چوریاں نہیں پوچھا ہم نے اور بس اب ٹھیک ہے ختم ہو گیا اب یہ سیگمنٹ ختم کرتے ہیں بہت خطرناک سیگمنٹ تھا میں نے ایک ہی پوچھا سادیہ امام جی بالکل پہاڑوں کی چوٹیاں نہیں پوچھا نہیں ہوا بھائی یہ بہت بڑی چوٹیاں چپل چور نہیں پوچھا چلیے جی تو لیتے ہیں انٹرسٹنگ سیگمنٹ آئی لائک اٹ جب اگلی بار آپ آئیں گے نا تو پھر اس میں اور ویریشن آئے گی پھر آپ کو زیادہ مزہ آئے گا اس میں ٹھیک ہے
फिर आप बत्ती बुझा दो नहीं कहेंगे। व्यूअर्स बहुत कम शो होते हैं इसमें जिसमें हमें खुद मजा आ रहा हो, तो आज उन्हीं में से एक शो है और आपको भी यकीनन आ रहा होगा, लेकिन यहाँ हम पानी पी रहे हैं, थोड़ा ठंडा पानी का वक्फा, और आप भी जाके कोई ठंडी आइसक्रीम या ठंडा शरबत या ठंडी पानी पिए जब तक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद हमारा आखिरी सेगमेंट होगा रैपिड फायर, देखते रहिए। हिडन टैलेंट हर कमाने वाले के पास होता है डेफिनेटली, तो इस टैलेंट से कमाता है या फिर कम आता है? कम कमाता है, जितना टैलेंट हो शुरू में कम आता है, कम टैलेंट हो तो कम आता है। किस मुल्क के मर्द ज्यादा ताड़ू होते हैं? पाकिस्तान के। जी एक बार फिर हम आ गए आपके साथ हजरात में, और हमारे साथ मौजूद है सुपर मॉडल सैम, और एक और अवार्ड भी आपके हिस्से में आया, वो था लक्स जी स्टाइल अवार्ड फॉर बेस्ट टैलेंट ऑफ द ईयर। ओह गुड, तो क्या टैलेंट दिखाया था आपने जो आपके सामने हो गया? टैलेंट नहीं है तो क्या है? मुझे यही वाला दिखाया था। टैलेंट वो होता है जिससे आप, जो मुझे लगता है, जो मैंने सीखा है, जिससे आप अपनी रोजी रोटी भी कमा सको। क्या बात है, वो टैलेंट हर कुछ हिडन टैलेंट हर कमाने वाले हर कमाने वाले के पास होता है डेफिनेटली। तो इस टैलेंट से कमाता है या फिर कम आता है? कम तो नहीं आता, जितना टैलेंट हो शुरू में कम आता है, कम टैलेंट हो तो कम आता है। देखिए जितना नसीब में होता है ना उतना मुझे। आप अपने आप को किसी खास शोबे के लिए 100% फिट समझती है तो कौन सा शोबा है? 100% फिट जो जिसमें मैं समझती हूँ फिल्म, फिल्म, आई एम अ फिल्म मटेरियल, मैं खुद मुझे लोग बोलता हूँ। वाह अच्छा अच्छा। हाँ क्योंकि देखिए टीवी पे आके जो एक्टिंग होती है ना वो बड़ी पैसिव हो जाती है, आपको बड़ा पैसिव होना पड़ता है। एक्टिंग इज लाउड, इट्स लाउड, इट्स लाउडर देन लाइफ। आप स्टेज पे नहीं सोचा कभी? स्टेज पे नहीं। अच्छा क्वालिटी स्टेज करने का कुछ? हाँ हो सकता है, लेकिन आई थिंक फिल्मोग्राफी, लेकिन आपकी जो आवाज और अंदाज है वो स्टेज के लिए भी सूट करता है। नहीं मुझे उन्होंने इसके लिए रियाज किया है ना। रियाज कौन है? मुझे बबलू साहब जी ने रियाज करवाया है डेफिनेटली। अच्छा अच्छा अच्छा, हिंदुस्तान में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हमारा ये वाला सेगमेंट है रैपिड फायर। जी जी। तो हम आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आप उसके जवाब दीजिएगा। बॉलीवुड में मौका मिले काम करने का किसके साथ करेंगे? किसके साथ करूंगी? आमिर खान के साथ करूंगी। सबसे बेहतरीन दोस्त कौन है आपका? मेरी माँ। बेहतरीन दुश्मन? कोई भी नहीं। बनाया नहीं या हुआ नहीं? कोई नहीं। तो तुम्हारे जैसा अनलिमिटेड दोस्त नहीं है। अनलिमिटेड। अगर आपको इनमें से कोई भी लिफ्ट दे तो लिफ्ट मतलब कौन सी वाली लिफ्ट? लाइन दे। अच्छा। तो लिफ्ट दे, लिफ्ट दे दे वो वाली। तो इन लोगों को आप क्या जवाब देंगी? साहिल लोधी। सर लोधी आपको लिफ्ट दे तो आप क्या? जी आ रही हूँ। जी आई। नवाज शरीफ। जी अभी आती हूँ। टॉम क्रूज। आ चुकी। कोई ऐसी बात जो लोग आपके बारे में नहीं जानते? हाँ मैं बहुत इमोशनल हूँ। बेहद बहुत इमोशनल। और ये इमोशंस कभी कंट्रोल से बाहर भी होते हैं? पानी कभी कंट्रोल से बाहर हुआ हुआ है ना? पानी इज अनलिमिटेड, वाटर इज इमोशन। तो ये इमोशन आपके बाहर जाते हैं कंट्रोल से तो कोई सहारा लेती है या टिश्यू का सहारा लेती है? नहीं बस वो खुद ही फिर पानी जैसे होता है ना, जा खुद ही बैठता है आस्ते आस्ते, वो वाली चीज है। फिर उसको कंट्रोल नहीं। कितनी बार बैठा ये झाग? जिंदगी में अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली ओवर इमोशनल भी हुई हूँ 3-4 दफा लाइफ के इवेंट्स के अंदर, तो 4-5 दफा। कभी ऐसा हुआ कि आपको बहुत ज्यादा खूबसूरत होने की वजह से या किसी भी वजह से किसी प्रोजेक्ट में किसी खास मुकाम पे किसी खास जगह पे रिजेक्ट भी किया हो? क्या बहुत अच्छी आप सूट नहीं करती? जी बिल्कुल किया है। जो मेरा फर्स्ट मिस फोटोजेनिक का मुझे टाइटल दिया था उसमें फ्रिया अल्ताफ ने मुझे 100 में से 0 दे दिए थे, तो उसके बाद मुझे मेरा एक रिजवानुल्लाह बड़ा अच्छा दोस्त है, ही इज अ डिजाइनर, वो उस वक्त फ्रिया को असिस्ट कर रहे थे उस शो के अंदर। उन्होंने कहा फ्रिया तुम गलती कर रही हो, तुम्हें पता नहीं है इसके अंदर कितना स्पार्क है, तुम इसको रखो। शोबिज में आके अच्छा किया या बुरा? किस्मत ले आई, अच्छा बुरा मुझे नहीं पता, मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया था। क्रिकेट कैसा खेल है और क्रिकेट में किसको पसंद करती हैं?
सरफराज को सरफराज को धोखा नहीं देता सरफराज पसंद है हर लड़की आजकल पसंद कर रही है धोखा नहीं देता ना ना किसी को पता था एग्जैक्टली सरफराज नहीं सरफराज के अलावा चैंपियंस ट्रॉफी कोई पिछले वाले लोगों की आपरी जी आपरी क्यूट यू नो लेकिन वो तो अब रिटायर हो गए ना हां लेकिन क्यूट बस चैंपियंस में बता रही हूं चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का क्रेडिट किसको देंगे पूरी टीम को देना चाहिए जब तक तो वर्ल्ड कप आ एक बंदे की तो कोई मेहनत नहीं होती इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क आज भी हमारा अगर ये शो हिट होगा तो इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क क्या बात है किसी एक बंदे की मेहनत नहीं है नहीं बिल्कुल अगर मैं बोलूं कि मेरी खूबसूरती की वजह से ये शो हिट हो जाएगा नो वो आपने अंदर से निकाली निखारी है सवारी है मेरे अंदर से लेकिन वो गई कैसे अंदर मशरकी खवातीन में रुपट्टे का क्या किरदार है बस गले में पड़ा हुआ काफी है बस गले में पड़ा हुआ आजकल के हिसाब से इसका कोई सही तरीके से ऐसी बात नहीं है दुपट्टा बहुत कीमती चीज है ऑब्वियसली और एक औरत की जो है वो खूबसूरती होती है हया 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 होती है और क्योंकि हम लोग यहाँ पे हैं और हम लोगों का प्रोफेशन डिफरेंट है लेकिन जब जब दुपट्टा पहनने का मौका मिलता है तो बड़े सलीके से बुर्का पहना कभी बुर्का पहना कभी हाँ जी पहना बुर्का एक दफा पहना मार्केट में जाने के लिए हाँ एक दफा पहना था मार्केट सुपर मॉडल जो भी पहनती है वो फैशन हो जाता है तो सुपर मॉडल ट्रेंड सेटर्स होते हैं बिल्कुल तो इनको भी ऐसे ट्रेंड सेट करना चाहिए जो आजकल के हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल अब वो टोपी वाला बुरखे का रिवाज आ जाए दोबारा से वो जो औरतें फेमस अभी भी है काफी लोग पहनते हैं पेशावर में भी है अगर यहाँ पाबंदी लग जाए पाकिस्तान में तो आप सर जी पाकिस्तान में तो आप रहने देना पाबंदी किस किस पे लगाएंगे डबल स्कूटर पे इस पे डबल सवारी पे स्कूटर कितनी पाबंदियां लगाएंगे कितनी पाबंदियां लगाएंगे पाबंदी में से पा हटा दे बंदी रहने दे वो तो है लगी चले तो फैशन के लिए किसको फॉलो करती हैं आप मुझे करीना कपूर बहुत पसंद है आई लाइक हर स्पार्क किस मुल्क के मर्द ज्यादा ताड़ू होते हैं पाकिस्तान के दोबारा जिंदगी मिले तो फिर यही सैमा अजहर बनेगी दोबारा जिंदगी मिली तो मैं दुआ करूंगी कि मैं डायरेक्ट जन्नत में चली जाऊं बस दोबारा जिंदगी मिली तो डायरेक्ट जन्नत में चली जाऊं मतलब कुछ ऐसे अमल करेंगे ताकि अमल अच्छे हो जाए चलिए आप इस जिंदगी में भी और इस जिंदगी के बाद भी कोई अल्लाह मियां ऐसा रुख मुतय्यन करे आपका कि जन्नत हम सबको नसीब हो और हमारी एक कोई खास तौबा हो जो कबूल हो जाए और हम सब की तो बड़ा मजा आया हमें आखिरत सीधी हो जाए आपको शो में आके कैसा लगा हमारे और हम दोनों मुझे बहुत अच्छा लगा और दोबारा आना चाहूंगी ज्यादा कौन अच्छा लगा कैमरा बता रहा है कि ज्यादा अच्छा कौन है खुद पसंदी भी एक बीमारी है जिसका शिकार अक्सर लोग होते हैं लेकिन हम तीनों में से कोई नहीं है और यकीनन आप में से भी कोई हो तो खुद को इतना पसंद नहीं करना चाहिए कि दूसरे थोड़ा हल्के लगे लेकिन आप लोग खुश रहें इत्मीनान से रहें हमारा शो देखते रहते हैं और देखते रहें हर जुमेरात की रात हजरात